जी तो दोस्तों, आज के आई फैक्टनर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड कैपेबल के डिफरेंट मीनिंग्स को हिंदी और उर्दू में समझेंगे, फिर वर्ड कैपेबल को यूज़ करते हुए दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी और उर्दू में। ये ट्यूटोरियल आपने बड़े गौर से देखना है क्योंकि आखिर में मैं आपसे लूँगा एक छोटा सा टेस्ट। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। वर्ड है कैपेबल, CAPABLE, कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है काबिल होना, मैं ये काम करने के काबिल हूँ, मैं सुबह उठ के ऑफिस जाने के काबिल हूँ, मैं बीमार था और अब मैं ठीक हो गया हूँ, तो मैं कहूँगा कि नाउ आई एम कैपेबल ऑफ गोइंग टू ऑफिस। यहाँ पे जो हमारे पास पहला सेंटेंस है वो है आई एम कैपेबल ऑफ कॉम्प्लीटिंग दिस टास्क, कि मैं ये काम मुकम्मल करने का के काबिल हूँ, आई एम कैपेबल ऑफ कम्प्लीटिंग दिस टास्क। एक और सेंटेंस बना लेते हैं, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट, कि आप ये करने के काबिल हैं, आप अंग्रेज़ी सीखने के काबिल हैं, यू आर कैपेबल ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो हमने देखा वर्ड कैपेबल का मीनिंग होता है जी काबिल। अब आपने टेस्ट के तौर पे, एक्सरसाइज के तौर पे कैपेबल को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है, कोई कॉमेंट है तो नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं हूँ आइफैक्टनर, मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, Like, share, share, subscribe. subscribe. Ifactner. Ifactner.